दोस्तों, भारत में आपने कई प्राचीन और अनोखे मंदिर देखे होंगे और उनसे जुड़ी कोई ना कोई कहानी भी सुनी होगी। हम मंदिर में अक्सर पूजा पाठ करने तो कभी मन की शांति तथा कभी कभी भूत बाधा से छुटकारा पाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी मंदिर का निर्माण स्वयं भूतों ने ही किया हो। भारत का एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ही ऐसा है जिसे देखने से लगता है कि यह मंदिर अभी भरभराकर गिर जाएगा। वैज्ञानिक भी इस मंदिर को देखने के बाद हैरान है कि ये अजूबा कैसे हो सकता है। यह मंदिर इतना भयानक है कि जिसे देख वैज्ञानिक भी वहां से डरकर भाग गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जिसके बारे में इंटरनेट पर भी ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। अगर कोई जानकारी है तो वो मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों और ग्रामीणों के पास। यहाँ के लोगों की माने तो श्याम होने के बाद कोई भी इस मंदिर के आसपास तक नहीं जाता है। यदि कोई गलती से चला भी जाए तो वो वापस नहीं आ पाता है। मंदिर का निरीक्षण करने गए वैज्ञानिकों को जब लोगों ने मंदिर से जुड़ी बातें सुनाने लगे तो उन्हें लोगों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वहां के ग्रामीणों ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। ग्रामीणों की बातों में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए वे सभी मंदिर का निरीक्षण करने चल पड़े। जब उन्होंने मंदिर को देखा तो उन्हें मंदिर खंडहर की तरह दिखाई पड़ा। मंदिर में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मंदिर से निकलने के बाद वे वैज्ञानिक दोबारा कभी उस मंदिर की तरफ नहीं गए। यहाँ तक कि श्याम होने से पहले ही सारे भक्तगण उस मंदिर को छोड़कर चले जाते हैं। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ये मंदिर भारत में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। इस मंदिर की आयु लगभग 1000 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन ये रहस्य है कि इस मंदिर का निर्माण कब, किसने और क्यों किया है। बस कुछ प्रचलित कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। मंदिर के बारे में बात करें तो ये मंदिर बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी है। ऐसा मंदिर शायद ही दूसरा कोई होगा। ये मंदिर प्राचीन वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। यदि आप इस मंदिर को देखें तो आपको लगेगा कि ये मंदिर बड़ी ही जल्दबाजी में बनाया गया है। यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होगा कि निर्माण करने वाला इस मंदिर को अधूरा ही छोड़कर चला गया है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि इस मंदिर को अधूरा ही छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि कालांतर में भी इसे पूरा नहीं बनाया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ककनमठ मंदिर की। ये मंदिर भगवान शिवजी को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों द्वारा किया गया है, और वो भी बिना किसी मिट्टी और सीमेंट के। सभी पत्थर एक के ऊपर एक सूचीबद्ध तरीके से रखे गए हैं। जबकि हैरानी वाली बात तो ये है कि ये पत्थर कभी गिरते नहीं है। कितनी ही प्राकृतिक आपदाएं आईं और गईं, लेकिन मंदिर वहीं का वहीं है। इतने सालों में केवल मंदिर के शिखर को नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि मंदिर पूरा होने से पहले ही सूरज निकल आया, जिस वजह से शिखर नहीं बन पाया। बाद में गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर का शिखर बनवाया। मंदिर के शिखर का निर्माण बाद में हुआ, जिसे सीमेंट से बनाया गया था। कहा जाता है कि कई मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की काफी कोशिश की, पर वो हर बार नाकामयाब रहे। मंदिर के आसपास नजर दौड़ाएं तो कई सारे छोटे छोटे मंदिर नष्ट हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि मंदिर की दीवारों पर मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों को समय के साथ हानि पहुंची है। हैरानी करने वाली बात ये भी है कि जिन पत्थरों का उपयोग इस मंदिर को बनाने में किया गया है, वे आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर तक कहीं नहीं पाए जाते हैं। इस मंदिर के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने एक रात में बनाया था। लोगों की माने तो सूर्यास्त से पहले यहाँ पर एक खाली मैदान था। अगली सुबह सूर्य की किरणों के साथ ये मंदिर भी दिखाई पड़ा। इस मंदिर के निर्माण की सटीक जानकारी कहीं नहीं है। कहा जाता है कि भूत प्रेत भी शिवजी के गण माने जाते हैं। इस क्षेत्र में आसपास कहीं भी शिवजी का कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भूतों ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण एक रात में ही कर दिया था। मंदिर को देखकर लगता है मंदिर बनाते बनाते ही इससे रोक दिया गया हो। ग्रामीणों की माने तो मंदिर के निर्माण के वक्त सुबह होने से पहले कोई इंसान जाग गया था और उसने हाथ से चलने वाली आटे की चक्की को चलाने के लिए चक्की में लकड़ी डाल रहा था।
जिसकी आवाज सुनकर भूत मंदिर का निर्माण आधे में ही छोड़कर चले गए। एक अन्य कहानी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। राजा की पत्नी रानी ककनावती शिव भक्त थीं, जिस वजह से इस मंदिर का नाम रानी के नाम पर ही ककन मठ रखा गया है। मंदिर के बाहर एक शिला लेख भी मौजूद है, जिसमें पुख्ता तौर पर ये तो नहीं कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण ककनावती द्वारा करवाया गया है। शिलालेख में संभवतः शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये भी एक कही सुनी बातें हैं। हालांकि इस मंदिर को भूतों द्वारा बनाया गया है, इस बात को ASI द्वारा नकार दिया गया है और कहा है कि मंदिर के पास कोई भी श्याम होने के बाद नहीं जाएगा। खैर दोस्तों, मंदिर की सच्चाई क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। आस्था के आगे सारे तर्क वितर्क धरे के धरे रह जाते हैं। अब सच्चाई सदियों से चली आ रही भूतों वाली कहानियों में है या रानी के नाम वाले तर्क में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगी इस मंदिर की सच्चाई? हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको इस मंदिर के बारे में पता था? ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल के साथ बने रहे, जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।